शराब और शराब कारोबारियों के खिलाफ बगहा पुलिस जिले के सभी थानों में लगातार छापेमारी अभियान चला रही है और वाहन जांच कर रही है। जिसके मद्देनजर धनहा थाना द्वारा सोमवार की रात धनहा पुल पर वाहन जांच की गई। इस दौरान एक पिकअप वैन पर लदी 460 पीस मोटरसाइकिल की डिक्की में रखी भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद हुई। साथ ही दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इसकी जानकारी बगहा एसपी किरण कुमार गोरख जाथव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि होली के मद्देनजर सभी थाना क्षेत्रों में सघन वाहन जांच अभियान चल रहा है। शराब के खिलाफ छापेमारी हो रही है। इस क्रम में बीती रात धनहा पुलिस के द्वारा धनहा रतवल पुल पर वाहन जांच के क्रम में एक पिकअप वैन पर लदी 460 पीस मोटरसाइकिल की डिक्की से शराब बरामद की गई है। डिक्की की जांच करने के दौरान 70 कार्टून विदेशी शराब बरामद की गई है, जो कि प्रति बोतल 750 ml थी, लीटर में 630 लीटर है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान राम बाबू पासवान साकिन रियान कोठी थाना रियान जिला दरभंगा और शंभू पासवान ग्राम अहियापुर जिला मुजफ्फरपुर के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में धनहा थाना कांड संख्या 40/23 दर्ज कर गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। आगामी अभी होली पर्व को लेकर के सघन वाहन जांच किया जा रहा है। इसी क्रम में धनहा थाना अंतर्गत कल रात्रि में गहन वाहन जांच किया गया, जिसमें एक पिकअप वाहन का जो एक्टिविटी संदिग्ध लगा तो उसको रोका गया, उसके ऊपर चढ़ के देखा गया, तलाशी ली गई उसकी, तो उसमें मोटरसाइकिल उसके डिक्की में लगभग 70 कार्टून 35 बोरा भर के जो है 630 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुआ, जिसमें एक पिकअप गाड़ी दो मोबाइल भी बरामद हुआ है। इस संबंध में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस ऑपरेशन में SHO धना मुन्ना कुमार, SHO सब इंस्पेक्टर अनिरुद्ध कुमार धना थाना के, सिपाही जगदीश राम, सिपाही अनिल पासवान, सिपाही संजय कुमार, सिपाही पप्पू कुमार और सिपाही सुनील कुमार इसमें शामिल थे। इस